सहनावमतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोलो शिशिमानंदमयी की जय। आज मैं बना रही हूँ दही वाला बैगन भरता और उसके साथ जवारे की रोटी। आई डोंट हैव वो गेहूं की रोटी मैं नहीं खाती हूँ, मैं जवारे की खाती हूँ। तो वो जवारे की रोटी और ये बैंगन का भरता और उसमें दही डालेंगे, मतलब नॉट जस्ट बैंगन का भरता। यू नो कभी सूखा बनता है विदाउट दही, सो आई एम नॉट मेकिंग दैट, आई एम मेकिंग इट विथ द दही। एंड यू जस्ट डिप योर रोटी इन इट एंड हैव इट, इट्स वेरी टेस्टी। सो आई शो यू। ओके लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्विच ऑन योर गैस। इसको रोस्ट करना पड़ता है ना, भूनना पड़ता है बैगन को, उसमें टाइम जाता है। सो आई शो यू अ लिटिल बिट। टेक योर जाली, पुट इट ऑन दिस एंड पुट योर बैगन ऑन इट एंड लेट इट रोस्ट। द स्किन हैज टू कम आउट। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो हाउ टू रोस्ट अ बैगन। सी नाउ द भरता इज डन, वो सिक गया है। ठीक है, नाउ यू स्विच ऑफ द गैस एंड इसको ना थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होगा देन यू कैन रिमूव द स्किन। सी ऐसे दिखता है? यस इट्स हॉट, आई एम ट्राइंग। ऐसे करके उसकी चमड़ी निकालनी पड़ती है। जय मां, नाउ शी इज रिमूविंग द स्किन, इट्स वेरी हॉट सो शी इज यूज्ड टू इट। सो शी इज रिमूविंग द स्किन। Now sometimes you know when you are in a rush, because this roasting on the gas takes time, काफी टाइम लगता है रोस्ट होने में, और कभी कभी क्या होता है हम लोगों को बहुत जल्दी होती है। तो इसको ना बैंगन को आप काट के पीसेस करके कुकर में डाल सकते हैं। यू नो डब्बे में डाल दीजिए, नीचे पानी रखिए कुकर में, और वो पक गया उसके बाद आराम से स्किन निकल जाती है, तो वो जल्दी हो जाता है प्रोसेस। टेस्ट बहुत अलग है, रोस्टेड का टेस्ट अलग है और उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा है, पर वो कर सकते हैं। नाउ द स्किन इज आउट। सो ये जो ऊपर का टॉप है ना उसका, वो काट दीजिए पहले। और बहुत गर्म है ना, इसलिए बिलॉयल लिए, वरना हाथ से ऐसे उसको मैश कर सकते हैं, पर अभी बहुत गर्म है। सो बिलॉयल लेके उसको मैश कर दीजिए। See, that's it. Now take your pan again, and now we do the chowk. Put your pan, oil, then again 1 teaspoon jeera, 1 teaspoon rye. See, all the masalas are all basics, you know, which people are aware of. But the taste becomes different, even though it is so simple, you know, hing. Basically, you must be seeing, I'm doing the same thing in everything, but सभी चीजों का स्वाद बहुत बढ़िया होता है। कड़ी पत्ता और अलग होता है, जिंजर, मिर्ची, चॉप्ड चिलीज, देन स्टर, देन अजवाइन। अजवाइन टेस्ट गुड इन दिस। अजवाइन स्टर, सॉल्ट, आई एम पुटिंग नॉट टू मच सॉल्ट बिकॉज आई हैव पुट सॉल्ट इन द दही विच आई हैव मैश्ड अप। दही को मैंने मैश करके उसमें मसाले डाले हैं जो मैं बताऊंगी। दही में मैंने काला नमक, सॉल्ट, काला नमक इज कंसर्न, आई नो यू नो दैट, काला नमक, सॉल्ट,
जीरा पाउडर एंड लाल मिर्ची पाउडर वो डाल के मैंने विस्क कर लिया और विस्क कर दिया है। नाउ यू जस्ट थ्रो योर बैंगन। Put a few on floor, then put all your sukha masala. Again the same thing, dhania powder, 2 teaspoon, haldi, 1/4 teaspoon, lal mirchi powder, 1/2 teaspoon. The flame is on slow. Little bit of garam masala, not too much. It becomes very spicy then. Just a pinch. Stir. Mix it nicely. See, looks good, na? Yes, Bharti. Yes. I like the way she says yes. Some people don't like vegan. Even I don't like vegan so much. But there are certain things that I do with vegan which I like. And this is one of those. Like I made the sambhari shak also with vegan and aloo. That also I like. So different ways of doing vegan and I like that. So this is done. Now I'm putting it on high. It's all mixed up and it's already cooked, so you know you don't have to do too much. Then put little hara dhania and this is done. Mix it. Switch off the flame. Now what you do is take a bartan in which you are going to mix this and the dahi. ये हो गया, इसके बाद आप इसको बोल में डाल दीजिए। ये डाला, let it cool a little bit. Then I'll put the dahi. अभी बहुत गर्म है. This is the dahi that I have made. दही को मैंने whisk किया और उसके अंदर काला नमक, नमक, जीरा पाउडर एंड लाल मिर्ची पाउडर. तो काला नमक was a little bit, salt to taste. Then मिर्ची also a little bit, not much. And जीरा पाउडर also maybe 1 teaspoon, cut teaspoon, not too much. Okay? So, ये विस्क करके आप रेडी रखो. उसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद मैं डाल दूंगी. अब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है, थोड़ा सा, तो इसमें मैं दही डाल देती हूँ. थ्रो योर दही. Then mix this. So it becomes like a baigan ka raita and you can have it with jawara ki roti. It tastes very good. इसको ठंडा करते हैं, इसको गर्म नहीं करना है. अब ये करने के बाद, मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख दीजिए. You see that? It's all done. And then you take your serving bowl और उसमें डालिए. And then we'll make the roti and show you. See, looks good, na? You put it in a serving bowl like this और फ्रिज में रख दो. और उसके बाद उसको निकाल के सर्व करिए. देखिए, यम्मी
Yes? Yes, Bharti? Yes. Okay, this is it. Make it, try it, subscribe. Okay. अभी ये सिर्फ बैगन का भरता है, अभी रोटी बाकी है. So once we make the roti, then I'll serve both the things together and show you. So let's go. जय माँ, जय माँ. Now she's making the जवारा की रोटी. You know, everybody का ये skill नहीं है जवारा की रोटी बनाना, but she knows it very well. जैसे गांव में होता है ना, वो लोग थाप थाप के करते हैं, पर ये दोनों करती है, हाथ से भी करती है और रोलिंग पिन से भी करती है. देखिए, इसको सिर्फ पानी में डाल के उसने डो बनाया है. आटा जो है सिर्फ पानी में बनता है, और ऐसे रख के थोड़ा वो बेलेगी और फिर देखो हाथ से ऐसे थापते हैं. सी हाउ द हैंड मूवमेंट इज, हाथ कैसे घूमता है. और अगर ये आपको ना सूट करे तो आटा में डाल के उसको बेल लीजिए बेलन से. दिस इज हाउ यू डू इट. अभी तवा रखा है गैस पे, वो गर्म हो रहा है. हो गया ना, गर्म हुआ. अभी रोटी को डाल दीजिए. नाउ सी, यू सी द बबल्स ऑन इट स्लाइड, देन यू फ्लिप इट, उसको घुमा दीजिए. अब ये दूसरी साइड से हो रहा है. ओके, नाउ उसको सेकना है रोटी जैसे. देखिए कितना मस्त हुआ फुटबॉल, मस्त फुटबॉल. एंड देन यू पुट इट इन योर सर्विंग प्लेट, बंद कर दो और उस पर थोड़ा घी लगाइए. Wow. Wow, this is really wow. So this is how you do it. This is baigan ka bharta with dahi and jawara ki roti. Try it, have it. It's yummy. Yummy, yummy, yummy. Om sahana bhavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karvavahe, tejasvinavatitamastu, mavidvishavahe. ओम शांति शांति शांति. ही बोलो शिशिमानंदमय की जय. आज का बैगन का भरता और जवारी की रोटी बहुत बढ़िया, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा है. आप ट्राई करो, सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ आपने बनाया कैसा लगा. तो अच्छा लगता है ना, इसलिए करिए. थैंक यू, जय माँ.